BGIS राउंड 3 का शेड्यूल आ चुका है कि कब होगा मैच, कौन कौन सी टीम्स खेलेगी, कैसे होगा, क्वालिफाई कौन होगा, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो राउंड 3 का डेट होने वाला है 14 सितंबर से 17 सितंबर, मतलब 3 दिन के बाद, वही सेम थर्सडे से संडे तक चलेगा राउंड 3। और इसमें टोटल 256 टीम्स खेलेगी, जिसमें से 224 टीम्स है जो क्वालिफाई कर गई है राउंड 2 से, जिसमें गॉडलाइक, TX, हैदराबाद हाइड्रास, एनिग्मा, जो भी टीम्स क्वालिफाई की है सभी लोग है, बहुत सारे अंडरडॉग्स भी है। और फिर बाकी 32 टीम्स है जो ग्राइंड से आएंगी। आपको याद होगा BGIS ग्राइंड जो हुआ था, जिसमें टॉप 32 टीम्स थी, जिसमें सोल, ब्लाइंड, मायावी, बहुत सारी टीम्स थी, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इस बार से भाई सारी टीम्स खेलेगी, जो भी यहाँ पे खेल रही है बड़ी बड़ी टीम्स है, इसमें यहाँ पे जो भी अच्छा खेलेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं खेल पाए वो बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस है, मतलब थोड़ा फॉर्मेट अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 16 ग्रुप्स बनेगा, 16 टीम्स होगा हर एक ग्रुप में, और ये लोग को 6 मैचेस ही मिलेगा। अब हर एक ग्रुप का तो लाइव स्ट्रीम पॉसिबल होगा नहीं 4 दिन में, तो शायद से मेरे अकॉर्डिंग 8 ग्रुप का लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, जैसे इस बार भी हुआ था। गॉडलाइक और TX का लास्ट 2 दिन हुआ, 2 दिन में 3 दिन मैच खेले है। वैसे ही 8 ग्रुप का ऑफलाइन होगा, 8 ग्रुप का ऑनलाइन हो सकता है राउंड 3 में। तो जो बड़ी टीम है TX, गॉडलाइक, फिर सोल, तो ये लोग का तो भाई ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, आप लोग देख पाओगे। और 2 दिन होगा ये लोग का मैचेस, मतलब आज 3 दिन फिर कल 3 दिन, जिसमें ये लोगों को टॉप 4 आना है। यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि टॉप 4 आएंगे तभी वो लोग क्वालिफाई करेंगे, अगर नहीं आ पाए तो भी एक चांस रहेगा। तो देख सकते हो टॉप 4 फ्रॉम इच ग्रुप मूव टू राउंड 4, मतलब 16 ग्रुप से टॉप 4 आएगा, 64 टीम्स राउंड 4 में डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे कुछ और टीम्स को मौका मिलेगा, जैसे यहाँ पे सारा मैच हो जाएगा उसके बाद ओवरऑल पॉइंट्स टेबल बनेगा, और 65 से 80 पे जो भी टीम्स रहेगी, मतलब 16 टीम्स को लूजर ब्रैकेट में भेजा जाएगा, तो लोगों को एक और मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे देख सकते हो 16 टीम्स फ्रॉम लूजर ब्रैकेट, और फिर राउंड 4 में जो भी टीम्स आएगी 64 टीम्स, वो लोग का मैचेस होगा, और उसमें भी टॉप 4 टीम्स नेक्स्ट राउंड मतलब सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। मतलब राउंड 4 में जो टीम्स पहुंच जाएगी उसको तो पूरा मौका मिलने वाला है। तो होप करते हैं सभी जो भी अच्छे टीम्स होगी वो क्वालिफाई कर जाए, फिर राउंड 4 से जो भी यहाँ पे 16 टीम्स होगी वो तो सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, और बाकी 64 से 60 टीम्स चले गए तो बच गया 48 टीम्स, तो वो लोग चल जाएंगे लूजर ब्रैकेट में, जो कि यहाँ पे राउंड 3 से भी कुछ टीम्स गई है, तो फिर लूजर ब्रैकेट में हो जाएगा 64 टीम्स, फिर वहां से भी 16 टीम्स सेमीफाइनल्स में जाएगी। थोड़ा सा फॉर्मेट पेचीदा है, अगर आप लोग समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया भाई तो इग्नोर कर दो। वैसे भी यहाँ पे राउंड 4 स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 3 स्टार्ट होगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कौन कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर रही है। तो होप करते हैं भाई यहाँ पे जो भी अच्छी टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाए। वैसे राउंड 3 में भी एक ग्रुप में 2 से 3 T1 टीम्स ही होगी मेरे अकॉर्डिंग, या फिर 4 हो सकता है मैक्स, क्योंकि बहुत सारे अंडरडॉग टीम्स हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पे मैच स्टार्ट होगा वो राउंड 4 से बोल सकते हो, क्योंकि राउंड 4 में जो टीम चल जाएगी उसको तो डबल मौका मिलेगा सभी टीम्स को। खैर यार जो भी होगा पता चल जाएगा। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि राउंड 3 कब स्टार्ट होगा, राउंड 4 कब होगा मैंने बता दिया। सारा मैचेस भाई थर्सडे से स्टार्ट होगा, थर्सडे से संडे तक चलेगा हर एक राउंड। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जा।